फूल, चुकंदर, गाजर, हल्दी, पालक भाजी व हरी सब्जियों से बनाया हर्बल गुलाल मंडला होली पर्व का लेकर सभी में खासा उत्साह बना हुआ है। लेकिन रंगों का त्योहार होली पर उपयोग होने वाले आर्टिफिशियल और सिंथेटिक कलर्स त्वचा के लिए खतरनाक होते हैं। लेकिन आजकल जो केमिकल वाले रंगों से होली खेली जाती है उसका असर सीधे त्वचा पर पड़ता है। इन केमिकल वाले रंगों से कई प्रकार के रोग जैसे अंधापन, बालों का झड़ना, त्वचा से संबंधित आदि हो सकते हैं। प्राचीन काल से रंगों को तैयार करने के लिए वानिकी का उपयोग किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र मंडला के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विशालनेश राम ने बताया कि 20 नर्सरी वर्कर को 25 दिन का ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि हर्बल गुलाल कैसे तैयार करें, जो पूरी तरह से नेचुरल है एवं इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर मेश राम ने चिकंदर, गेंदा के फूलों, हल्दी, गाजर, पालक के पत्ते और सब्जियों का प्रयोग कर अरारोट में मिलाकर हल्की धूप पर सुखाने के बाद गुलाल बनवाया गया है। इससे ऑरेंज, पीला, हरा, गुलाबी रंग के गुलाल तैयार किए हैं। इस हर्बल गुलालों के उपयोग से हम केमिकल रंगों से बच सकते हैं और बिना डर के जी भर के होली का आनंद ले सकते हैं। का त्यौहार होली मनाया जाता है, पर इस समय वर्तमान में बाजार में केमिकल मिश्रित गुलाल आ रहे हैं जो अब हमारे चेहरे को स्किन डिजीज या अन्य रोग से ग्रसित हो जाते हैं उस गुलाल के उपयोग करने से। मगर आज इस समय हम मंडला में कृषि विज्ञान केंद्र में जहाँ जैविक गुलाल का निर्माण किया जा रहा है, इसका निर्माण डॉक्टर मेश्राम के टीम द्वारा किया जा रहा है। हम जानते हैं कैसा क्या इसका निर्माण किया जा रहा है और इससे क्या फ़ायदे हैं, उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। सर, आप लोग जो जैविक ये बना रहे हैं गुलाल, इसका बनाने का उद्देश्य क्या है और इससे क्या क्या फ़ायदा होता है लोगों को, उस संबंध में विस्तृत पूरी जानकारी दीजिए आप। आज देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन हम लोग जो है रासायनिक और कई प्रकार के प्रदूषणों से जूझ रहे हैं, जिसके कारण जो पौराणिक महत्व वाले हमारे पर्व या त्यौहार हैं जिनको हम खुलकर अब युवा पीढ़ी उसको खेल नहीं पा रही है, उसका कारण यह है कि कई प्रकार की स्किन डिजीजेस हो रही है, त्वचा के रोग हो रहे हैं और उनके बालों का झड़ना और बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिसके कारण लोग इनसे परहेज कर रहे हैं। लेकिन इन जैविक गुलालों को जब हम बना रहे हैं तो इसका मूल उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे पौराणिक त्यौहारों से लोगों को परहेज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो दिल खोल कर अपने त्यौहारों को मना सकें और उनको किसी भी प्रकार की हानि ना हो और वो त्यौहारों को इंजॉय करें कि कैसे त्यौहारों को मनाया जाता है। इस तरह से हमने कोशिश ये की है कि अपने भारतीय कृषि कौशल परिषद जो है, जिसके अंतर्गत हमारा प्रशिक्षण 25 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें हमारे 20 प्रतिभागी हैं जो कि नर्सरी वर्कर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि जो इनकी जबानी ही हम जो इनसे प्रैक्टिकल हम करवा रहे हैं, इन्हीं की जबानी हम सुनते हैं कि कैसे ये अलग अलग जैविक पदार्थों जैसे क्यूनोवा की पत्तियाँ, पालक की पत्तियाँ, गेंदे के हमारे 3 प्रकार की किस्में हैं, पूसा बहार, पूसा जायंट और पूसा दीप, साथ ही हमारे पास चुकंदर और गाजर से हम लोगों ने तरह तरह के रंग बनाना इनको सिखाया, तो ये किस प्रकार से ये बना रहे हैं इन्हीं की जबानी हम सुनते हैं। तो यहाँ पे उपस्थित 20 लोगों ने जैविक गुलाल बनाने की प्रशिक्षण लिया है, हम जानते हैं उनसे कैसे बनाए उन्होंने और क्या क्या इसमें उनको बनाने में किस तरह का आनंद आया है और किस किस चीज़ से मिश्रित करके ये बनाए हैं, हम जानते हैं उनसे। गुलाल की पत्तियाँ हैं, फूल है, इसको हमने पत्तियाँ को निकाल के इसको पीसा, मिक्सी में पीस के फिर इसको इसका जो रस बना उसको निचोड़ के फिर ये पाउडर में मिला के और रंग तैयार किया। कौन से पाउडर में मिलाते हैं मैडम जी? ये अरारोट में। आप बताइएगा कि इस गुलाल के श्रीमती शारदा हरदहा, ये किनोवा बथुआ प्रजाति की फसल है, साउथ अमेरिका से की फसल है, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के प्रोजेक्ट के तहत हमारे यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र मंडला में उगाई गई है। इसको ये सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। इसमें सभी प्रकार की प्रोटीन, आयरन, विटामिन और एमिनो एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी जो ये बथुआ प्रजाति है, इसकी जो पत्तियां हैं इसको तोड़कर मिक्सी में पीसा गया है, इसका सत निकाल कर पाउडर में मिलाकर इसको छांव में सुखाया गया है और फिर इसकी पैकेट तैयार की।
मैडम जी, जैसे ये जो गुलाल अपन देख रहे हैं बहुत अच्छा दिख रहा है और ऑर्गेनिक है, तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? क्योंकि वर्तमान में जो लोग चाइना के या केमिकल युक्त यूज कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो अभी मार्केट में केमिकल युक्त गुलाल जो आ रहा है, इसकी स्किन में साइड इफेक्ट बहुत है। इसमें स्किन का काला होना ये सब है, और ये जो है ऑर्गेनिक है, इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। ये एक प्रकार का फल है चुकंदर, इसको हम बारीक काटे, इसको मिक्सी में पीस कर इसका रस निकला, उसको छान कर और एक पाउडर है आरा रोट करके, उसमें मिक्स करके ये गुलाल तैयार किया। जी, ये किस तरह से निर्मित किया जा रहा है और ये इसके क्या फ़ायदे हैं? सर, मैं लक्ष्मण हरदाह बुमनी बंजर से यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में नर्सरी की ट्रेनिंग में आया हूँ, और नर्सरी की ट्रेनिंग के दौरान ये होली का उत्सव है, तो होली के उत्सव की दृष्टि से हम प्रैक्टिकल रूप से हर्बल जो है गुलाल है ये यहाँ बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इसी के तहत हमने ये हल्दी से ये पीला गुलाल बनाया है, और ये पालक की भाजी से जो है हमने ये हरा कलर का गुलाल बनाया है, और भी दूसरे कलर के गुलाल हम लोगों ने बनाए हैं। और हम लोगों का उद्देश्य ये है कि आदमी को जो चाइना के या दूसरी जगह के जो गुलाल वगैरह यूज़ करते हैं, उससे विभिन्न प्रकार के जो स्किन डिसीज़ होते हैं, स्किन में जो प्रॉब्लम होती है, खुजली होती है वगैरह होती हैं, लेकिन इनसे जो है उनको किसी प्रकार की खुजली नहीं होगी। जैसे ये हल्दी है, हल्दी खुद ही एंटीबायोटिक है, अगर इसको कोई लगाता, अपन घाव में भी हल्दी लगाते हैं तो घाव ठीक हो जाता है, तो वैसे ही ये गुलाल भी लगाएंगे तो हमको अपनी खुशी भी बांट सकते हैं, हम एक दूसरे को खुश भी रख सकते हैं, लेकिन हम किसी को उससे उस शारीरिक कोई नुकसान उनको नहीं हो सकता। हमारे बीच इस कृषि विज्ञान केंद्र में एक रिटायर वन अधिकारी जी हैं, हम जानते हैं उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी समय दिया है बच्चे लोगों को, और सिखा रहे हैं कि हर्बल चीज़ के क्या फ़ायदे हैं, जानते हैं उन्हीं से। जैसा कि भाई साहब डॉक्टर मेश्राम जो इस संस्था के मुखिया हैं जी, विशाल मेश्राम साहब जी, इनकी प्रेरणा से मैं भी यहाँ पर आया जी, और ये जो हमारे सहभागी प्रशिक्षणार्थी हैं जी, ये होली के सीजन में विशाल मेश्राम साहब ने हर्बल गुलाल बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की, तो इसमें मैं इसके जो मिश्रण है इसके संबंध में ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि इसका जो माध्यम है आरा रोट ARROWROT, आरा रूट, रूट्स से स्पष्ट है कि एक ये जड़ जी, जो रूपांतरित जड़ है जी, उसका जो कंद रूपी जड़ है जी, उसका जो पाउडर है, पाउडर आरा रोट कहलाता है, जो हमारे यहाँ मार्केट में बहुत समय से मिलता आया। पहले इसको लिए हम लोग कलप के रूप में उपयोग करते थे मिलिट्री के लोग, मतलब बहुत अच्छी चीज़ ऑर्गेनिक जैविक चीज़ है वो, उसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक तत्व तो उसमें नहीं मिला है जी। तो सबसे पहले तो आरा रोट ही जैविक है जी। इसके बाद ये जो यहाँ की जो फसलें हैं जी, फसलें यहाँ जैसे किनोवा है, बथुआ है, पालक है जी, और गेंदे हैं, हल्दी है, ये सब फसलें कृषि विज्ञान केंद्र मंडला के अंतर्गत है। तो ये जो प्रशिक्षार्थी हैं थोड़े थोड़े तौर पे सब लोगों ने उसको बढ़िया शेयर किया है, और जो विधि जो वैज्ञानिक मेश्राम साहब हैं, हरबार साहब हैं, इन लोगों ने बताया, उसका जो बिल्कुल सही तरीके से मिलन में उसको रोल करते हुए, मिक्सी में पीसते हुए, चटनी पिसाई करते हुए, मिलाते हुए, फिर उसको छाँव में सुखा करके उसके अलग अलग कलर को, फिर जब वो सूख जाता है फिर उसको पैकेट में भर के होली के लिए ये अपन तैयार कर लेते हैं। होली की शुभकामनाएं, किसी भी प्रकार का मुझे विश्वास है कि ऐसी जो सामग्री है हमारे पूरे भारत में धीरे धीरे इसका रुझान बढ़ेगा, और रुझान क्यों नहीं बढ़ेगा, जब हमारे पूरे भारत में इस प्रकार की संस्थाएं काम कर रही हैं, सरकारी संस्थाएं भारत सरकार की हर ज़िले में हैं, और जब ये गतिविधियां सभी जगह चलाई जाएंगी तो निश्चित है कि हमारे भारत की कोई संतान को, बच्चे को, किसी भी को, स्कूल के बच्चों को कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। होली भर नहीं,
कहीं भी किसी भी प्रकार का जो रंग का उपयोग कहीं भी होता है उसमें रंगों की ये प्राथमिकता बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। सर बताइए। मैं डॉक्टर आरपी अहरवाल, कृषि विज्ञान केंद्र मंडला, जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंदर आता है। यहाँ 25 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जो जिले के बेरोजगार युवा हैं उनके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो अपना स्वयं का बिजनेस खोल सकें और पैसा कमा सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें। इसलिए इनको हर चीज़ सिखाई जा रही है। जो नर्सरी के वर्कर हैं तो इनको गुलाल उत्पादन कैसे करना है, गुलाल कैसे बनाना है, जैविक विधियों से, पालक से, अपना फूल से, हर चीज़ से, मतलब जो भी सामग्री है देसी सामग्री जो घर पर उपलब्ध हो जाती है, अपने खेतों में उपलब्ध हो जाती है, उनसे अपना तैयार करवा रहे हैं, तो इस तरह से उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपने देखा किस तरह से घरेलू सामग्री जैसे हल्दी, आटा, आरारोट, मैदा, फूल, जड़, इन सब से रंग बनाया जा रहा है, गुलाल। अगर आपके पास भी कोई समाचार या वीडियो है तो आप हमें भेजें। संपर्क करें विदीप सिंह मरकाम, डायरेक्टर न्यूज विटनेस, मोबाइल 9407091560। देश दुनिया की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज़ विटनेस और रहे पल पल के खबरों से अपडेट।